ए रिंकू, हाँ ये किसका सामान लेकर आ रही है तू? बुढ़िया जी, ये सामान हमारा है। हम सोचे हैं कि उस मोहल्ला से इस मोहल्ला में अब वो हो जाए, क्या होता है जो करते हैं वो, जो एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला ट्रांसफर, नहीं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग करेगी तू? हाँ। उसकी क्या जरूरत है, तेरा तो खुद का घर है, शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? खुद का घर क्या है मेरा, बर्बाद हो गया। हाँ, बर्बाद हो गया। प्यार नहीं करते हमको संतोष के भैया, उस घर में प्यार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उस घर में। मकड़ी भी अकेले रहती है ना सिद्धू जी, तो वहाँ जाला बना लेती है। लेकिन संतोष के भैया हैं, शर्माते रहते हैं, शर्माते रहते हैं। हम दो से तीन हो ही नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा है इस मोहल्ला में रौनक है तो यहीं शिफ्ट हो जाए। मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ बहन, पति निकम्मा निकले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुझे पता है कप्पू के नाना सुहागरात के अगले दिन मुझसे कहते हैं, तू नींबू निचोड़, मैं बर्फ लेकर आता हूँ, मिलकर शिकंजी पियेंगे। मैं आज तक नींबू निचोड़े जा रही हूँ, वो बर्फ लेके आया ही नहीं। आप तो खुशकिस्मत है। क्यों? जो आपको नींबू तो निचोड़ने को मिल रहा है। हमें ना तो वो प्यार करते हैं, ना बर्फ लेने जाते हैं। अच्छा, तो तू एक काम कर बहन, उसको लेकर तू हनीमून पर जा, पहाड़ों में जा, ऐसी जगह जा जहाँ ठंड हो। हम गए थे। गई थी? हाँ, कुल्लू मनाली में गया था। कुल्लू मनाली में बहुत ठंड था। हाँ? पहले से इनका हाइट छोटा है, सिकुड़ के और छोटा हो गया है। क्या हम करते, ऐसा गोद में उठा के सारा कुल्लू मनाली दिखाया उनको। अब हम अंदर जाते हैं यहाँ पे घर पे। देखा आपने सिद्धू जी, कैसे लोग मोहल्ले में आ गए, अगर ये ऐसी है तो इसका पति कैसा होगा। बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है पाजी, देखो फिल्म की शूटिंग करो, फिर फिल्म की प्रमोशन करो, मतलब एक्टिंग भी करो, खुद ही फिल्म बेचो। ये काफी नहीं है कि इतने एड्स करके मैं गंजियां बेच रहा हूं। भैया मैं तो कच्छे भी बेच रहा हूं। बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है जी पाजी। मैंने सोचा पॉज बटन दबाऊं, थोड़ा सुकून पालूं, इसलिए मैं शांति वन सोसाइटी में आ गया। जिंदगी भाग के नहीं मिलती, जिंदगी ठहर के मिलती है। तुम ठहर जाओ, जिंदगी पांव में लौटती है गुरु, पांव में लौटती है। क्या बात है पाजी, मैं नीचे आ जाऊं? आओ ना महाराज, आओ, आ जाऊं। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया, रणवीर सिंह रिंकू भाभी के साथ। ची 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 ची। हे भगवान, इतने सोने मुंडे से किस बात की सजा ले रहे हैं आप? अरे कहां मर गए सबके सब, बंपर, चंदू, गुलाटी, अरे कहां? क्या हो गया पुरानी, आपको हुआ गया, हार्ट अटैक आया है क्या? ये बम की बंपर, कभी किसी का अच्छा सोच नहीं सकती तू। तुझे ये बताने के लिए मैंने यहाँ बुलाया, तुझे पता है रिंकू भाभी यहाँ शिफ्ट हो गई है। ये पकड़िए। वाह,
मतलब ये इतनी फालतू बात बताने के लिए आपने दो बम्बर को डिस्टर्ब किया है कि रिंकू भाभी यहाँ शिफ्ट हो गई, तो मैं क्या करूँ? रणवीर सिंह के साथ ये वाला इधर दूं तेरे को? रह गई हक्का बक्का रणवीर सिंह ततोड़ ततोड़। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे आपकी आंखों का इलाज करना पड़ेगा, आप आइए। तेरी माँ की आंख का इलाज कर जाके चल। अरे मैंने देखा है, देख। अरे क्या देख? यहाँ पे मैं गा देता हूँ। रिंकू मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बस खड़े रह के दिन भर तुझे हवा देते रहूं। हाय बस मेरा तो मजा इसी में है कि मैं रेगुलेटर बन जाऊं इस फैन की। फिर देखना पांच पे पंखा चलेगा। सच में अगर मैं रेगुलेटर बन गई ना तो पंखा पांच से नीचे नहीं आएगा। ये नानी बम्बर ये सब क्या हो रहा है? रणवीर को तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या बताऊं मैं, ये रणवीर रिंकू के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या बात है? क्या बात है? यही तो कह रहे हैं, क्या बात है? रणवीर सच है, तुम इसके साथ शिफ्ट हो गए? तुमसे ज्यादा लड़का तो ये लगती है। यू डोंट लिसन टू हिम। ना ना मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। सच में ये रणवीर को तंग कर रही है मिक्स औरतों। नकली औरतें तंग कर रही है पक्का। ये रणवीर को पता धमकी दे के लेके आई, पता कहती मेरे साथ नाचो नहीं तो मैं जाकर इल्जाम लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर। ये है ही ऐसी बाजी, ये सब्जी वाले से सब्जी फ्री में लेने के लिए ना उसके सामने डांस करके कहती टमाटर फ्री में दे दो। तो कहता इतना गंदा डांस किया मैंने, टमाटर नहीं देने। कहती जो मेरे पैर के नीचे है वो तो दे दो। गलत औरतों, हमने आज तक कभी टमाटर नहीं मांगा उससे। हाँ ब्रोकली मांगा है, ब्रोकली खाते हैं, स्किन भी ब्रोकली है एकदम। चेक करें? हाँ कर लो चेक। ज्यादा मत रगड़ो दाढ़ी चुप जाएगा। अरे हाँ हाँ एक बात कहना भूल गया। क्या? गेट आउट। ऐसे डांस में बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत मजा किया। संतोष के भाई के साथ इतना डांस में कभी मुझे नहीं आया। वो हमको प्यार नहीं करते। रात को मैं आपको डिस्को में लेके जाऊंगा रिंकू। और हम क्या है डिस्को में वो ड्रेस पहनते हैं ना, तो हम यहाँ टांका लगा लेंगे, ड्रेस मिल जाए। हम जाते हैं अभी यार, जाते हैं जाते हैं। तुम लोगों को अलग से धक्का दूं मैं, दबा ले यहाँ से। रणवीर और वाणी के लिए जोरदार तालियां। रणवीर वाणी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए हमारे सोफे की शोभा बढ़ाइए। अच्छा मैंने ट्रेलर देखा, बेफिक्र माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। 3 मिनट के ट्रेलर में 3.5 मिनट की चुम्मियां। ओम। किस चीज की आप भड़ास निकाल रहे हैं बेफिक्र में? पता नहीं क्या हो गया आदित्य चोपड़ा को है? उन्होंने कहा मैंने बनाई, रब ने बना दी जोड़ी, और फिर कट टू नेक्स्ट फिल्म बेफिक्रे। क्या हो गया उनको समझ नहीं आ रहा। रब ने बना दी जोड़ी में हस्बैंड वाइफ को भी नहीं रोमांस करने दिया। इधर तो मुझे लगता कैमरा लगा के चले गए थे, लगे रहो ऐसे। वो क्या ना वाणी बहुत खुश हो गई कि मैं पिक्चर कर रही हूँ, आदि चोपड़ा की पिक्चर कर रही हूँ, मैं रणवीर के साथ कर रही हूँ। जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी चूमने लगे, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। अच्छा मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा ये हर पेज पे किस है। अच्छा मम्मी निशान लगा हुआ था। ओ तो बाय मिस्टेक हो गई। हाँ अब कंफ्यूजन हो गई। जो भी है चाहे बाय मिस्टेक हो गई, इंजॉय तो होगा। पप्पियों का चक्कर ये है, लबों का कारोबार जो पहला गाना निकला था, आदि सर ये दिखाना चाहते थे कि भैया ये जैसे कि आप कह रहे थे हिंदी फिल्म जब चलती है तो स्क्रीन पर किस आता है तो बच्चे की आंख बंद कर देते हैं ऐसे कि नहीं देखो, या कोई बाहर लेके जाते हैं,
ऐसा है नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो ना तो ये बड़ी प्यार मोहब्बत वाली किस्से हैं। अच्छा, कुछ गंदी बात नहीं है इसमें, कोई ऑफेंड नहीं होगा कोई। हाँ, मतलब ये यूए सर्टिफिकेट मिल गया यार हमें, फैमिली फिल्म है बकायदा। तो जो पप्पी होती है वो झप्पी की तरह है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्चुअली। मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्रेस, आप दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखाओगे, पप्पी लेके दिखाओगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे आई लव यू कपिल, आई नो ब्रदर यू लव मी। देखा, डोंट गेट एम्बैरस्ड यार। एंड वाणी, यू नो वन थिंग, इवन आई लव यू। Okay, let's change the topic. अच्छा, total कितने kisses हैं फिल्म में? Any idea? गिनी नहीं। मैं तो थक गया यार वाणी को किस करते करते। मेरे ख्याल से 23 हैं, ऐसा न्यूज़ में पढ़ा था हमने। अच्छा? 23 kisses अगर हुई हैं तो एक किस 5 सेकंड की पकड़ो। जो ऑन एयर करते हैं बेसिकली, हो तो 10-15 सेकंड की जाती है, जब 20 सेकंड भी होती है नॉर्मल, मेट्रो सिटीज में बड़ी होती हैं। तो 23 किसेज मल्टीप्लाई करें अगर हम 5 के साथ, हाँ। तो 115 सेकंड्स। हाँ। वैसे तो मैथ्स में फेल हो गया, पर किसों के हिसाब किताब में बड़ा तगड़ा यार। अरे पाजी, इसमें एक और भी फायदा ना पाजी, क्या मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हाँ। इसमें मेरा इंटरेस्ट है। इसमें किसमें? तो किस किस को प्यार करूं? हाँ। किस किस को प्यार करें? ये किस 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 का चक्कर भैया, जो मैंने जानबूझ के रीटेक किए उसका गणित तो आपने किया ही नहीं। वो तो मैंने हिसाब में लगाया, और वो आपको पता है, वो जो सारे आपके किस हुए ना, जो रीटेक हुए हैं, वो सारे 31 दिसंबर से पहले आपको जमा कराने होंगे। पर कैसा लगता है रणवीर जब प्यार बांटने के ही पैसे मिलते हैं? किस्सों का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक पॉइंट आया शूटिंग के टाइम पे, मैं तो थक गया यार वाणी को किस करते करते। एक रूटीन सा हो गया था कि भैया चलो शुरू हो जाओ, ओके, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, चलो हो गया, फिर एक और राउंड करो। मतलब इट वाज बिकेम लाइक रूटीन यार, जैसे रोज रोजमर्रा की बात है। आई थिंक आफ्टर पॉइंट हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा था, हम वी डिडंट इवन यूज द माउथ फ्रेशनर एनीथिंग, हम खाना वाना खा के Because we're used to it. How sweet. I love kanda taste. And I love garlic taste. Love this garlic taste. वैसे ये फिल्म किसके बारे में है? आप I mean फिल्म किस बारे में है? फिल्म के बारे में कुछ बताओ, एक्चुअली मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ कि फिल्म किसके अलावा? बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, प्लीज आना देखने, आपको बड़ा मजा आएगा। मजा तो आपको आया ना सारा, मैं तो तो इट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, पागलों वाली हरकतें भी करते हैं, एंड में ऑब्वियसली मिल जाते होंगे। मैं तो बड़ा खुश था ये पिक्चर करके, लाइट सी है, फन सी है, रोमांस है, ह्यूमर है इसमें, राइट right. और मैं मर भी नहीं रहा हूँ एंड में। ये बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली तकरीबन फिल्मों में देख लो आप, रणवीर मर जाते हैं, गुंडे में देख लो आप, बाजीराव मस्तानी में देख लो आप, फिर दिलों में रहता लुटेरा, नहीं, जो लोगों के दिलों में रहता हो वो मर सकता ही नहीं। ये तो अच्छी बात है। यार, इसको ये किस की बड़ी बुरी आदत लग गई है, कसम से बोलो। पर रणवीर में के अंदर इतना प्यार भगवान ने भरा है, किस करते भी नहीं इनकी निकल जाती है। प्यार इतना करते हैं। एक्चुअली ही इज ए मोस्ट लवेबल एक्टर इन अवर इंडस्ट्री। आई लव यू माय ब्रदर। खुदा ने उसको, खुदा ने उसको बहुत सी खूबी नवाजी है, उस पे मोहब्बत लुटाने के लिए पूरी दुनिया राजी है। ठोको, तेरी हर कामयाबी पे हमें फक्र है ए दोस्त, तू ताश के पत्तों पे 3 इक्कों की बाजी है। आए, आए। आए। क्या बात है, एक पप्पी और। ये मार मार के छक्के ना,
अरे मेरी भी नजर उतार। पर आपने तकरीबन सारे मैच देखे ना, आपको पता है कौन सा प्लेयर कैसा स्टांस लेता है ना। नहीं पर ये कॉपी करता है यार पूरा, अनबिलीवेबल। इसको यार 17-18 साल पुरानी बातें याद है यार। अच्छा आपको सारी बातें याद है, 90 वाला मैच देखा था आपने। पाजी पानी के लिए आपने कोई शेर नहीं बोला, कोई दोहा बोल दो भक्त कबीर का। ऐसा है क्या? हाँ। देखकर उसकी खूबसूरती अप्सराएं जलने लगती। वो पास में आ जाए तो ठंडी चाय उबलने लगती। वाह। बेशक ये करिश्मा है उसके हुस्न की बिजली का, अरे आपके हाथ में आते ही मोबाइल की बैटरी चार्ज करने लगती है। Strangely, my dress has adapters and plugs drawn all over. ये कहाँ इलेक्ट्रिकल शॉप से लिया आपने? बड़ी बेफिक्रे की पूरी फिल्म की शूटिंग हुई पेरिस में, इसका प्रोमो लॉन्च किया गया पेरिस में, पूरे मीडिया को इनवाइट किया गया पेरिस में, प्रमोशन की बारी आई तो गोरेगांव में आ गया। हमें क्यों नहीं लेके गए आप? हमें क्यों नहीं पेरिस में? हमने दुबई में शो किए, लंदन में किए, हम वहां पे भी कर सकते थे पेरिस में। हमें क्यों, हम क्या एफिल टावर की चोंच तोड़ देते हैं? हमें क्यों नहीं बुलाया रणवीर? आप तो इंटरनेशनल सुपरस्टार सेलिब्रिटी है कपिल, आपको कौन रोक सकता है? आप गए पेरिस तो मतलब पेरिस का दर्जा ऊपर हो गया। हाय हाय, ये लाइन को डिले करके चलाएं, रिवर्स कर करके चलाएं। वानी आप पहली बार मैं आपसे मुलाकात हो रही है, वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं बेसिकली? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ की? नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नंबर मेरे को लिखा देंगे? तो फिर फिल्मों में आपका कैसे आना हुआ? तो मैं मॉडलिंग कर रही थी और मैं शानू शर्मा से मिली, जो कास्टिंग डायरेक्टर है यशराज की, और आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे डांस के लिए बोला कि आप डांस कर सकती है। मैंने कहा हाँ, आई मीन प्रोफेशनली नहीं, आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर, बट आई कैन डांस। सो शी मेड मी डांस फॉर लाइक 3 आवर्स। 3 घंटे का गाना कौन सा है? नुसरत साहब की कवाली पे तो नहीं नाच रही? हमें भी देखना है, चाहे 3 मिनट का हो। हील में नहीं हो सकता? नहीं यार। बात बताओ, मैं हील उतार दो, क्या प्रॉब्लम? Pani, can I have the pleasure to see your yes, please. You can pull it off, my. अच्छा, तुम दुकान में जा रहे हो ना बहन जी, ये ट्राई करिए। एक सेकंड, मुझे ये जानना है। What is he doing with your heels? Wow. Made in Italy. Oye, 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 oye. It's in Paris. Oye, oye, oye. Pani, एक बात बताओ मुझे। Dancing Goregaon. लड़कियां इतनी लंबी लंबी होके भी इतनी ये 303 बंदूक जैसी है हील क्यों पहनती हैं? By the way, हमसे तो चला ही ना जाए पाजी ये। ट्राई करें हैं? ट्राई करें, ट्राई करें। नहीं, हमारा अंगूठा ही नहीं घुसेगा। देखो सही, मैं करूंगा ट्राई। एक तो पाजी खुद की मर्जी से पहनती है, फिर कंप्लेन करती है हाय मेरे फीट इतने दुख रहे हैं, दबा दे। नाइस ना, सेक्सी ना। ये तो रणवीर टूट जाएगी ये पक्का। रणवीर मुझे घर नहीं, बाद में पानी ऐसी जाएगी, एक हील और एक इसके जूते। भाई जिसने डिजाइन किया मेरा अच्छा फ्रेंड है ये। अच्छा, हील पहन के आदमी चलता है तो ऐसे लगता बाथरूम आया ना। ये यही पे उतार दो बस। ओके ओके, ये पहन दो। ओके ओके, मुझे घर पैदल नहीं, नंगे पांव नहीं जाना। हील तो चलती। थैंक्स कपिल, गॉड ब्लेस यू। 40 का दो।
मुझे मेरे जूते वापस दे दो। अच्छा कितने ये अच्छा, फिल्म स्टार्स देखो जूतों को भी ऑर्नामेंट्स पहनाए हैं। ये देखो अब डांस हो जाए यार। जूते को भी नेकलेस पीछे।